हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट फीजीएल 2020 टीयर 3 का रिजल्ट आउट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि रिजल्ट को आप किस तरह से देख सकते हैं। टोटल टीयर 3 में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, कितना कट ऑफ गया है, इसका बात सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टोटल टीयर 3 में 32,181 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुछ ऐसे पोस्ट पे जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और कुछ ऐसे पोस्ट पे जिसमें अफकील टेस्ट एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो कैंडिडेट्स अफकील टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं वो कैंडिडेट्स को पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ओके, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का कटअप एफी का 519 कटअप गया है। एसटी के लिए 511 कटअप गया है। ओबीसी के लिए 569 कटअप गया है। ईडब्ल्यूएफ के लिए 568 कटअप गया है। अनरिजर्व के लिए 626 कटअप गया है। ओएच का 493 कटअप गया है। एचएच का 345 कटअप गया है। अदर पीडब्ल्यूडी का 375 कटअप गया है। इस पोस्ट में टोटल 1215 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप यहां से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर ककटअप एफसी के लिए 370 कटअप गया है। एसटी के लिए 368 कटअप गया है। ओबीसी का 429 कटअप गया है। ईडब्ल्यूएफ का 445 कटअप गया है। अनरिजर्व का 492 कटअप गया है। ओएच का 412 कटअप गया है। एचएच का 340 कटअप गया है। इस पोस्ट में टोटल 2275 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप यहां से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्ट ऑल पोस्ट रिक्रूटिंग सीपीटी ओके एफसी का कटअप 436 गया है। एसटी का 418 कटअप गया है। ओबीसी का 487 कटअप गया है। ईडब्ल्यूएफ का 489 कटअप गया है। अनरिजर्व का 528 कटअप गया है। ओएस का 384 कटअप गया है। एचएस का 252 कटअप गया है। बीएच का 461 कटअप गया है। अदर पीडब्ल्यूडी का 236 कटअप गया है। इसमें टोटल 12,232 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख सकते हैं। ऑल अदर पोस्ट इंक्लूडिंग डीई एसटी एफसी का कटअप 419 गया है। एसटी का 399 कटअप गया है। ओबीसी का 461 कटअप गया है। ईडब्ल्यूएफ का 465 कटअप गया है। अनरिजर्व का 513 कटअप गया है। ईएसएम का 198 कटअप गया है। ओएच का 322 कटअप गया है। एचएच को 174 कटअप गया है। बीएच का 361 कटअप गया है। अदर पीडब्ल्यूडी को 184 कटअप गया है। टोटल 19,540 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि टीयर 3 में जो क्वालिफाई हुए हैं उन्हें रीजनल ऑफिस ऑफ कमीशन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट के लिए रीजनल ऑफिस के द्वारा इशू किया जाएगा। कैंडिडेट्स जो एक से ज़्यादा लिस्ट में क्वालिफाइड हैं ओके, उन्हें सिर्फ स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वन टाइम ही अपीयर करना होगा। जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर नहीं होते हैं वो कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं कंसीडर किया जाएगा। ओके,
द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन लिस्ट थ्री, जो कैंडिडेट्स लिस्ट थ्री में क्वालिफाइड डिक्लेयर्ड किए गए हैं वो कैंडिडेट्स को सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। ओके, जो कैंडिडेट्स सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा वो कैंडिडेट्स को डीईएसटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ओके, कैंडिडेट्स जो लिस्ट फोर में क्वालिफाई हुए हैं एक्सक्लूडिंग दोज क्वालिफाइड फॉर सीपीटी बुलाया जाएगा डीईएसटी के लिए। ओके, स्किल टेस्ट 4/8/2022 एंड 5/8/2022 को आयोजित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल रीजनल ऑफिस के द्वारा वेबसाइट पे इंटीमेट कर दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि रिजल्ट को आप किस तरह से देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स वो लिस्ट है जो कैंडिडेट्स टीयर थ्री में क्वालिफाई हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये पोस्ट है AAO का PDF है। ओके, इसमें आप रोल नंबर और नेम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अदर पोस्ट के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको हेल्पफुल लगा होगा। ओके, और फ्रेंड्स देखिए आपके पास अभी टाइम है। ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें और स्किल टेस्ट को भी और ज़्यादा इम्प्रूव कर लें। ओके, ताकि आपका नेम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। ओके, बिकॉज आप थ्री लेडर्स को पार कर चुके हैं। ओके, अब आपका वन स्टेज बचा हुआ है। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बट इसमें भी अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको हल्के में ना लें। ओके, ज़्यादा लाइटली ना लें, इस पे भी अभी आप ध्यान दे दीजिए। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।